हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से। आपको बता दूं, एमसीसी ने मॉपअप राउंड का रिज़ल्ट, जिसका बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, रिलीज़ कर दिया गया है। तो पूरी न्यूज़ बताने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर खबर आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूँ कि एमसीसी की तरफ से नीट यूजी काउंसलिंग 2021 के मॉपअप राउंड का रिज़ल्ट आज रिलीज़ कर दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी वेबसाइट पर आप जब सर्च करेंगे तो साइट खुलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि क्रैश हो रही, बहुत सारे बच्चे एक साथ साइट को खोल रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया गया mcc.nic.in पर। आपको कैसे चेक करना है ये भी बता देते हैं कि NTA का जो नीट का जो एग्ज़ाम है 2022, उसको कराने से पहले जो है, जब इसके सारे राउंड यानी मॉपअप राउंड भी हो जाएगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किए जाएंगे। तो नीट यूजी काउंसलिंग 2021 की जो प्रक्रिया है, बहुत जल्द जो है इसको कराया जा रहा है। तो मॉपअप राउंड का रिज़ल्ट आज अनाउंस कर दिया गया है। जैसा कि कल ही बोल दिया गया था कि 23 मार्च को रिलीज़ किया जाएगा, तो सभी बच्चे अपना रिज़ल्ट mcc.nic.in पर देख सकते हैं। 19 मार्च से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन आज आपका ये रिज़ल्ट कंफर्म है था, कल ही बता दिया गया था। तो आगे आप लोग चेक कर सकते हैं नीट यूजी 2021 का जो स्ट्री वैकेंसी राउंड है, इसके बाद कंडक्ट कराया जाएगा। और आप mcc.nic.in पर जाकर जैसे ही होम पेज क्लिक करेंगे, तो उस पर आपको अपना लॉगिन करना है, रोल नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन, फिर मॉपअप राउंड रिज़ल्ट आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इसका आप डाउनलोड कर लीजिएगा अलॉटमेंट लेटर, और उसके बाद आपको 29 मार्च को रिपोर्ट करना है जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा। इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल अपडेट अगर आती है, तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल से जुड़े रहिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।